दोस्तों, अगर पल्सर बाइक के डिजिटल मीटर में हाई बीम और न्यूट्रल या फिर कोई सी भी लाइट वर्क नहीं कर रही हो तो आपने क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका काम रहता है वायरिंग को चेक करने का। वायरिंग चेक कैसे किया जाता है, यहाँ पर जस्ट आप जो भी इसमें कनेक्टर यूज करते हैं उसमें आपने जो जो चीज़ मैं बताऊँगा वहाँ पर आप फॉलो कर लेना। देखिए, कनेक्टर को आप इस तरीके से लगाएंगे तो जस्ट पीछे कुछ वायरिंग होती है, इसमें जो वायरिंग होती है उसका जो कलर कोड है, यहाँ पर जो इसमें समस्या आ रही है न्यूट्रल और हाई बीम लाइट से रिलेटेड आती है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो न्यूट्रल की होती है वो ये वाली होती है, ये देखिए जो इसका कलर है वो होता है पैरेट कलर। पैरेट कलर की वायर न्यूट्रल की लाइट को जलाती है। अगर पैरेट कलर की वायर को हम ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं तो न्यूट्रल की लाइट जल जाती है। और हाई बीम लाइट के लिए हमें यहाँ पर रेड वाली वायर को फॉलो करना होता है जिसमें ब्लैक पट्टी बनी हो। रेड वाली वायर जिसमें ब्लैक पट्टी बनी हो, जो मैं आपको कलर कोड बता रहा हूँ वो सभी में, जो पल्सर के डिजिटल मीटर होते हैं सभी में होता है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही कलर रहेगा, अदर कलर को आप फॉलो ना करें। तो पैरेट कलर यानी कि दूसरे नंबर में जो पैरेट कलर आपको वायर दिख रही है ना, वो न्यूट्रल की लाइट के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की, यहाँ से तीसरे नंबर की जो वायर है रेड के साथ ब्लैक पट्टी, ये आपकी हाई बीम लाइट के लिए है, तो वो वर्क नहीं कर रही है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा उसके लिए हमें क्या करना है। वाटर डैमेज है ये डिजिटल मीटर, इसके अंदर पानी जाने की वजह से अंदर साफ साफ दिख रहा है कि लाइट यहाँ पर जली हुई है। तो वायरिंग तो जब आप चेक करेंगे उसके बाद अगर ये चीज़ आपके सामने आती है फिर सॉल्व नहीं हो पाती, फिर आपने लाइट चेंज करनी होगी। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पर भी देख लीजिएगा, कभी कभी ये कनेक्टर में यहाँ पर कोई लेग गल जाने की वजह से भी होता है, अगर न्यूट्रल या फिर हाई बीम की लाइट के लेग कोई गल गई हो तो ऐसे भी होता है। इसमें ऐसा समस्या नहीं है, इसमें सिर्फ लाइट के अंदर पानी गया हुआ है, तो वही समस्या आ रही है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, पहले मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिएगा, इसमें लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो मैं पहले ग्राउंड के साथ अटैच कर लेता हूँ, यानी कि बैटरी में जो नेगेटिव है उसके साथ एक वायर अटैच कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर इसको हाई बीम, पहले हाई बीम वाले के साथ लगाऊंगा। तो रेड के साथ जो ब्लैक पट्टी है, पीले कनेक्टर में होता है रेड के साथ ब्लैक पट्टी, उसको मैं दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखिएगा हाई बीम वाला, कोई भी यहाँ पर लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। पीले कनेक्टर में रेड के साथ ब्लैक पट्टी वाली वायर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर देखिए लाइट नहीं जल रही है। और जो न्यूट्रल के लिए होता है वो देखिए, ये नीले वाले कनेक्टर में आपको दूसरे नंबर की वायर मिल जाएगी पैरेट कलर की, वो भी न्यूट्रल की होती है, तो वहाँ पर भी वर्क नहीं कर रही है, बाकी अदर वर्क कर रही है। तो चलिए इसको हम पूरा खोल के, अब इसमें कौन सी वाली LED लगेगी ये सब आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। LED चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इस डिस्प्ले के पैनल को हटाना होता है। डिस्प्ले के पैनल को हटाने के लिए यहाँ पर डीसोल्डरिंग करना होता है, सभी के सभी लेग को हम डीसोल्डरिंग करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ डिटेल से, क्योंकि सारा काम हमारे डिस्प्ले को हटाने के बाद ही होगा, क्योंकि इसका जो मेन सर्किट है इसके जस्ट नीचे ही है, मतलब जितना भी हमारा इसमें कंपोनेंट्स लगा ना सब इसी के नीचे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली हमने डिस्प्ले को यहाँ से अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी धूल वगैरह इसमें पड़ी हुई है, तो इसे एक ब्रश की मदद से मैं क्लीन कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये बल्ब ख़राब है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बल्ब यहाँ पर ऊपर से इसका जो पॉइंट है वो गल चुका है, जल चुका है, और ये भी जले हुए हैं। ये तो ठीक है, अभी चेक करेंगे बल्ब को। एंड यहाँ पर एक क्लीन जो हमने यहाँ से डिसऑर्डर किया था ना उसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्लीनर या फिर पेट्रोल की आप हेल्प ले सकते हैं, तो आसानी से क्लीन हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर जो लेग आप डिसोल्डरिंग कर रहे हैं ध्यान रखना सारी की सारी लेग अच्छी तरीके से डिसोल्डरिंग हो जानी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, डिस्प्ले खींचेंगे तो डिस्प्ले टूट सकती है। देखिए, ये देखिए सभी प्रिंट हमने बहुत ही प्यार से क्लीन कर लिए हैं, और हम जब इसे लगाएंगे तो कोई ये भी नहीं कहेगा भाई ये डिसऑर्डर भी हुआ है और इसमें काम भी हुआ है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से।
देखिए कहीं भी प्रिंट कटा हो तो आप कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने यहाँ पर डिसोल्डिंग किया हुआ है, कोई भी प्रिंट नहीं टूटा रहेगा क्योंकि हमारा काम बहुत ही सफाई से होता है। यहाँ पर ग्लू रहता है उसको आप छुड़ा लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम एलईडी बल्ब की टेस्टिंग करते हैं। इस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रख लेना है और यहीं से एलईडी की टेस्टिंग करी जाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए एलईडी का निशान बना हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये एक एलईडी सही है हमारी, ये वाली कौन सी है, चलिए मीटर पे देखते हैं। ये हमारी इंडिकेटर की है, इसके जस्ट बगल में न्यूट्रल की है, तो न्यूट्रल वाली को भी चेक करते हैं। तो न्यूट्रल वाली यहाँ पर नहीं चल रही, इसका मतलब है न्यूट्रल वाली ख़राब है, इसे रिप्लेस करना है। ये तो ख़राब है ही, हेडलाइट वाली उसको भी रिप्लेस करना है। और ये साइड स्टैंड वाली है, ये सर्किट पे जल रही थी बट यहाँ पर नहीं जल रही है, तो अभी देखेंगे इसको हम वायरिंग के साथ में। बाकी तो सभी ठीक ही है, बाकी किसी में भी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी और कलर की लाइट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर ये वाली आपके पास एलईडी नहीं है तो इसकी जगह पे आप दूसरी एलईडी लगा सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर न्यूट्रल में मैं थोड़ा सा यूनिक वाला लगाऊंगा, न्यूट्रल में मैं लगाऊंगा येलो कलर की। वैसे न्यूट्रल में ग्रीन कलर की होती बट मैं येलो कलर की लगाऊंगा क्योंकि ग्रीन कलर की हमारी साइड स्टैंड पे ऑलरेडी होती ही है। तो यहाँ पर ये लाइट हम रिप्लेस करेंगे, न्यूट्रल की जगह पे येलो वाली को लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम हटा देते पहले, ये हट चुका है। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे येलो वाली को। चलिए इस पॉइंट को मैं क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी टोटल वायरिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट हमें इस एलईडी के लिए मिल रही है और किन किन पॉइंट्स पे मिल रही है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल वाली के साथ अभी कनेक्शन किया है तो इधर पे वोल्टेज आने लगेगी। तो देखते हैं यहाँ पर किस किस के साथ का साथ हमें वोल्टेज मिलती है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 वोल्ट मिल रही, इस पॉइंट पर हमें 4 वोल्ट मिल रही है इन दोनों पर। अब इन पर देखते हैं, इन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो इन दोनों में हमें 4 वोल्ट मिल रही है, यानी कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का। तो अभी यहाँ पर हम प्लस और माइनस को यहाँ पर इस वाली एलईडी को लगाएंगे। चलिए सोल्डरिंग करते हैं फिर देखते हैं। चलिए ऐसे देख लेते हैं, देखिए लाइट जल रही है हमारी बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डरिंग पहले कर लेता हूँ। चलिए इसे सोल्डरिंग इस तरीके से कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि लाइट प्रॉपरली वर्क करती कि नहीं। चलिए मैंने इसको अभी कनेक्शन हटा लिया इसका और इसकी लाइट को हम जला के देखते हैं। देखिए लेग कट करके मैंने छोटी कर ली है ताकि सही से फिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर लिया है। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ टोटल, यहाँ पर वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए वायरिंग कर लेता हूँ और अभी न्यूट्रल वाली लाइट को नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। पहले मैं सिंपल वायरिंग करता हूँ। देखिए सिंपल वायरिंग हो चुकी है। अब न्यूट्रल वाली लाइट के साथ मैं यहाँ पर इसको अटैच करता हूँ, यहाँ पर जो न्यूट्रल की लाइट होती है ना इसके साथ अटैच करता हूँ। देखिए ये देखिए जब जब इसको अटैच करता हूँ तो यहाँ पर ये चल जा रही है, देख सकते हैं। एक मिनट इसको ऑन होने देते हैं, ये देखिए तो ये अब प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो न्यूट्रल में अब मैं येलो कलर की लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको हटा दिया। अब हाई बीम में मैं वही वाली ब्लू कलर की लाइट का इस्तेमाल करूँगा, जो हाई बीम वाली है ना उसकी जगह मैं ब्लू कलर की लाइट का इस्तेमाल करूँगा। चलिए इसको हम हटाते हैं और हाई बीम की जगह मैं ब्लू कलर का ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्लू कलर लगा हुआ था। अब यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे और उसके बाद हम एलईडी को सोल्डिंग कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए मैं इसको हाई बीम के साथ अटैच करता हूँ। चलिए हाई बीम के साथ कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पे नहीं मिल रहा है बल्कि इन दोनों पे मिल रहा है, प्लस से माइनस से। तो चलिए यहाँ पर इस वाली को हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सोल्डिंग कर ली है, अब देखते हैं कि लाइट जलती कि नहीं। देखिए हाई बीम वाली लाइट जल रही है, ये देखिए प्लग में
बिल्कुल, तो परफेक्ट यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। तो एक बार मैं साइड स्टैंड वाली को भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, साइड स्टैंड वाली को भी चेक कर लेता हूँ, अगर सही है तो बिल्कुल उसको हम रहने देंगे, वरना उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी मीटर हमारा यहाँ पर रिपेयर हो रहा है। साइड स्टैंड वाला बिल्कुल ठीक ही है, देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, सॉरी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो साइड स्टैंड वाला बिल्कुल सही है, शायद आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखिए ये काम हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मीटर को हम पहले की तरह क्लोज कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, होल बिल्कुल इसी के साइज़ के रहते हैं ना, नो प्रॉब्लम, ये LED यहाँ पर आसानी से चली जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसमें कोई भी LED लगा सकते हैं। यहाँ पर लगभग ये वो 5 वोल्ट तक की करंट को ये सह लेती है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें दो आती है, एक 3 वोल्ट की आती है, एक 5 वोल्ट की आती है, अगर चाहे तो 5 वोल्ट की आप लगा सकते हैं। फिर फाइनली इसे पैक करते हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर अगर कोई भी लाइट का अगर मॉडिफिकेशन आपने करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे बल्ब दिए हैं, तो आपकी चॉइस में मॉडिफाई आप कर सकते हैं, कोई सी भी लाइट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और कुछ मॉडिफिकेशन तो मुझे करना नहीं, बस दो ही यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना था, बस न्यूट्रल की जगह मैंने यहाँ पर येलो लाइट डाल दी है। तो चलिए फिर अब मैं इसे पैक कर लेता हूँ, और ये देखिए LED बिल्कुल इस खांच में आ जाती है, नो प्रॉब्लम। अगर आप सोच रहे होंगे नहीं आएगी, तो बिल्कुल आ जाती है, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। तो यहाँ पर ये जितनी भी लगे ना, इनकी फिटिंग आप सही से एक बार कर लेना, ये गलत पोजीशन पे या फिर गलत जगह पे ना लगे। यहाँ पर आप डिस्प्ले का कचरा भी साफ़ कर सकते हैं, इसके नीचे का कोई कचरा आपको मिले तो यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारी धूल वगैरह रहती है, तो ऐसे करके निकल जाती है, और इसका आप देखिए धूल वगैरह साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिए कभी कभी डिस्प्ले में धब्बे आते हैं ना, तो ये धूल आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है, अब इसको अच्छी तरीके से खांच में बैठा के फिर सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे फिट कर लिया है, अब यहाँ पर सोल्डरिंग करना बाकी है। तो आप देख सकते हैं सोल्डरिंग कैसे की जाती है प्रोफेशनल तरीके से। पहले हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सभी पिन को दबा, मतलब सेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि डिस्प्ले नीचे ना गिरे। देखिए चारों तरफ से हम हर एक पिन पे सोल्डरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद अब डिस्प्ले नहीं गिरेगी, तो अब फटाफट से सोल्डरिंग हो जाएगी इसमें, देखते रहिए। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सोल्डरिंग करना काफ़ी आसान है। देखिए अगर आपको सोल्डरिंग नहीं आती है तो सीख लो। देखिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग बोलते सर आप वीडियो को स्किप कर देते सोल्डरिंग के टाइम पे, या फिर मेन जहाँ पर आप सिखाते हैं, तो अभी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कुछ भी टाइम नहीं लगा सोल्डरिंग करने, फटाफट से हो गई सोल्डरिंग। देखिए अब इन सभी पॉइंट्स को मैं क्लीनर की मदद से क्लीन कर लूँगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सोल्डरिंग कितनी बेहतर तरीके से हुई है, कोई ये भी नहीं कहेगा कि हमारी डिस्प्ले पहले खुली भी है। तो देखिए इसको मैंने क्लीन कर लिया है, तो कोई भी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। तो आप कितने लाइक देंगे हमारे इस काम के लिए वो आप डिसाइड कीजिए, बट लाइक ज़रूर आपने करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है, ये काम हो चुका है, और इसके अंदर देखिए वो लाइट जो हमने फिट करी थी, एक बार इसको हम अटैच करके फाइनल टेस्टिंग करेंगे इसकी, और यहाँ पर हम RPM वाली सुई को लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी कंप्लीट वायरिंग करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसकी वायरिंग हमने कर ली है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए देखिए फाइनली ऑन हो चुका है,
अब इसकी लाइट जलाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रल लाइट जलाएंगे जो इसमें हमने रिपेयर करी थी। एक सेकेंड इसके नीचे कुछ रख लेता हूँ। शायद अब आपको दिख जाएगा। इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी क्लीन हो चुकी है, फिलहाल पहले से बेहतर हो चुकी है। ये रही इसकी न्यूट्रल लाइट जो भी जल रही है, ठीक है। ये रही इसकी न्यूट्रल लाइट, ये देखिए। और हाई बीम के लिए ये दिखाता हूँ आपको, हाई बीम की लाइट ये है, ये देखिए हाई बीम की लाइट ये है। मैं इसको इसके ऊपर कवर लगा के आपको दिखाता हूँ कितना बेहतर ये अब लगेगा। ऐसे करके बढ़िया लगेगा, अब देखिएगा। पहले मैं हाई बीम वाली चलाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए हाई बीम वाली, ठीक है। ये हाई बीम लाइट है और न्यूट्रल वाली कैसी लगती है, ये रही न्यूट्रल वाली। अभी येलो कलर की अब यहाँ पे न्यूट्रल वाली जलेगी। हमने इसमें ये लाइट चेंज कर दी है, पहले अलग जल रही थी अब इसमें येलो जलेगी। पहले इसमें ब्लू ग्रीन लाइट होती है न्यूट्रल में, ठीक है। और मीटर में मीटर की आपको लाइट जला के भी दिखा देता हूँ। अगर आप कंप्लीट वायरिंग इसकी चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, तो मीटर की लाइट चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रही हमारी मीटर की लाइट। कंप्लीट वायरिंग आपको सिखा दूंगा, बस आप कमेंट मार देना। देखिए सभी लाइट आपको मैंने यहाँ पर दिखा दी है। और यहाँ पर यह हाई बीम, ये मीटर लाइट, और ये रही हमारी न्यूट्रल की, ये रही न्यूट्रल की, और ये रही हमारी साइड इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर इस तरफ, ये वाली साइड इंडिकेटर, और साइड स्टैंड का, साइड स्टैंड के लिए ये वाला रहेगा, और ये साइड स्टैंड के लिए ये वाली। देखिए कंप्लीट आपको यहाँ पर लाइट दिखा दी है। बस आप वायरिंग की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके कमेंट मार देना। इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने रिसेंटली वीडियो एक बनाई है जिसमें हॉर्न रिपेयर भी सिखाया। मैं हॉर्न को भी रिपेयर यहाँ पर कर लेता हूँ, सभी चीज़ें रिपेयर करता हूँ बाइक में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको हर किसी चैनल पर सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाई जाती है। तो वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच।